हमने जो काम किए हैं, हमारी सरकार ने जो काम किए हैं वो सबको पता है, सब देख रहे हैं, और विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है, और हम 350 से पार लेके जा रहे हैं, हमारी जीतेंगे हम। जो हमारे कौन सी राजनीति पार्टी इस वक्त आपको बिल्कुल टक्कर की लग रही है, जिससे आप लोग की चुनौती या मुकाबला है? यहाँ कोई नोएडा में कोई टक्कर की नहीं है, कहीं टक्कर की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और इस बार न हाथ न हाथी न टोटी न सरिया, इस बार उत्तर प्रदेश में चलेगा सिर्फ केसरिया। ये डंके की चोट पे है, कहीं भी कोई टक्कर में नहीं है, और माननीय विधायक जी हमारे 2 लाख ऊपर से वोट टक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में पंकज भैया जिंदाबाद। उससे पहले सपा के टाइम पर ये हालत था कि बहन बेटी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं थी, उन्होंने जो बोला था वो आज सबको दिखाई दे रहा है, पब्लिक को। कहीं भी बहन बेटी जाती है, और आप भी जाते हो कहीं 12-1 बजे, तो कितनी सुरक्षित पाती है अपने आप को। चाहे मुस्लिम बहनों को हमारी छोड़ दिया जाता था, कि तलाक 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 3 बार तलाक करके छोड़ दिया जाता था, लेकिन आज वो इतनी खुश है, इतनी प्रेरित है मोदी जी से और योगी जी से, वो हमें अल्पसंख्यक वोट भी हमें मिलेगा। नमस्कार, NCR मीडिया देख रहे हैं आप लोग, और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। यूपी राज्य की राजनीति से लेकर बयानों की बौछार तक, जनता की राय से लेकर राजनेताओं की रणनीतियों तक, लगातार सारी अपडेट्स NCR मीडिया आप लोग को दिखा रही है। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद है भाजपा के, आइए बातचीत करते हैं। क्या रणनीति आपकी सरकार लेकर चल रही है, क्या कुछ बड़ा बदलाव आप लोग करने वाले हैं? हमारा बड़ा बदलाव मैं आपसे बता दूँ, हमने जो काम किए हैं, हमारी सरकार ने जो काम किए हैं वो सबको पता है, सब देख रहे हैं, और विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है, और हम 350 से पार लेके जा रहे हैं, हमारी जीतेंगे हम। और हमारे योगी जी ने जो रामराज आज हमारे बीच है, हम लोग देखते हैं, हमारी बेटियां जो 6 बजे के बाद नहीं निकलती थी, उनकी चैन झपट के भगते थे, कोई कुछ लेके भगता था, आज वहां कहीं दिक्कत नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, आज हमारे बच्चे आगे, हमारा देश जो मजबूत कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो हमारे बच्चों के लिए उनको मजबूत किया जा रहा है, और देश हमारा बहुत मजबूत हो रहा है, और वर्ल्ड में हम देखें हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम है। जो कौन सी राजनीति पार्टी इस वक्त आपको बिल्कुल टक्कर की लग रही है, जिससे आप लोग की चुनौती या मुकाबला है? यहाँ कोई नोएडा में कोई टक्कर की नहीं है, कहीं टक्कर की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये डंके की चोट पे है, कहीं भी कोई टक्कर में नहीं है, और माननीय विधायक जी हमारे 2 लाख ऊपर से वोट टक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में पंकज भैया जिंदाबाद। अच्छा, विपक्ष लगातार आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसी धर्म की कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे मतलब हिंदू मुस्लिम सिख है, सबके लिए राशन मतलब फ्री मिल रहा है, मतलब कोई इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं, और सभी के लिए वैक्सीन लग रही है, माने योगी जी माने प्रधानमंत्री के द्वारा वैक्सीन लग रही है, राशन जो 5-5 किलो राशन मिल रहा है उनको, परिवार को उसको राशन मिल रहा था, उसमें कोई राजनीति की नहीं है। शौचालय बना दिए गए माने विधायक जी के द्वारा, जो ओपन जिम खोल दिए गए हैं माने प्रधानमंत्री, मतलब अच्छे कितने काम किए हैं कि जो हमारे हिंदुत्व के लिए काम किए माने योगी जी ने, माने प्रधानमंत्री जी ने, और हम सब लोग क्या पूरा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, योगी जी की सरकार बनेगी। जनता का ऐसा मानना है कि इस बार सपा पार्टी ने भी जबरदस्त कैंडिडेट उतारा है, आप लोग क्या उस पर क्या कहना चाहेंगे? कोई हैकर नहीं है, कोई हैकर नहीं है। ना आपका सुपड़ा सपा सबका, अपनी पार्टी को लेकर क्या कुछ मत आप रखना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो नारा है अब की बार 350 पार, और इस बार न हाथ न हाथी न टोटी न सरिया, इस बार उत्तर प्रदेश में चलेगा सिर्फ केसरिया। आराम से। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जितने भी विकास हुए उत्तर प्रदेश में वो विपक्ष ने करवाए हैं, भाजपा ने सिर्फ झंडे गाड़े। देखिए, 5 साल हो गई है, ठीक है, 5 साल पहले उन्होंने क्या विकास कराया क्या नहीं कराया, सब जनता के बीच में है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है, और इस बार नोएडा में भी हमारे जो पंकज सिंह जी प्रत्याशी हैं 2 लाख वोटों से जीतने वाले हैं, हम ये दावा कर रहे हैं, और लिख करके भी ले लो, कोई नहीं है टक्कर में, सिर्फ अब तो कमल ही कमल है सब जी का, ये देखिए छोटे छोटे बच्चों का भी देखिए। बात कही थी जिस टाइम पहली बार मोदी जी यहाँ पे प्रधानमंत्री बनते, आराम से बस शांत, एक मिनट, प्रधानमंत्री पहली बार चुनाव यहाँ पे प्रधानमंत्री बने थे,
उन्होंने एक बात कही थी, हमारे गुजरात में कभी रात को बहन बेटियां रात को 12 बजे अपने गहने पहन के चले जाएंगे, कोई मतलब टच करने वाला, उससे पहले सपा के टाइम पर ये हालत था कि बहन बेटी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। उन्होंने जो बोला था वो आज सबको दिखाई दे रहा है, पब्लिक को, कहीं भी बहन बेटी जाती है, आप भी जाते हो कहीं 12-1 बजे तो कितनी सुरक्षित पाती है अपने आप को, देखा है आपने किसी के मार कर, और हिंदू मुस्लिम का कोई त्यौहार हो कितने आदमी मरते थे, पहले हिंदू भी मर रहे हैं मुस्लिम भी मर रहे हैं, आज ऐसा नहीं है, मुस्लिम भी हमारे उस पक्ष में है, और पहले तो बहुत कम परसेंट थे, आज इतना परसेंट बढ़ती जा रही है मुस्लिम को, उनकी औरतें तो सबसे ज़्यादा 80% उनकी औरतें ये कहती है कि मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री बनेगा नहीं। देखिए हमारी सरकार ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, धारा 370 हटाने का काम किया, किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि धारा 370 हट सकती है। अयोध्या का राम मंदिर, जब हम चुनावों में वोट मांगने जाते थे कि हम नारा लगाते थे, हमारा एक नारा था रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, विपक्ष वाले कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हमने तारीख भी बता दी है, मंदिर का शिलान्यास भी हो चुका है, और चाहे मुस्लिम बहनों को हमारी छोड़ दिया जाता था कि तलाक 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 3 बार तलाक कह के छोड़ दिया जाता था, लेकिन आज वो इतनी खुश हैं, इतनी प्रेरित हैं मोदी जी से और योगी जी से, वो हमें अल्पसंख्यक वोट भी हमें मिलेगा, मिल रहा है बराबर। विपक्ष का अल्पसंख्यक की बात की है तो मैं एक सवाल और पूछ लेती हूँ, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है भाजपा पे कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनेता जो बड़े बड़े चेहरे हैं भाजपा के, वो अब दलितों और गरीब लोगों के पास जाने लगे, पहले क्यों नहीं गए? देखिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार लगातार, चाहे आप कोरोना काल देख लीजिए, कोरोना काल में कोई भी पार्टी वाला चमका नहीं रोडों पर, अगर रोड पर सेवा करता हुआ किसी को चप्पल पहनाते हुए, खाना बांटते हुए, दवाई बांटते हुए दिखाई दिया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई दिया, बाकी सब कहीं नहीं थे, सब अपने घरों में दुबके हुए थे डर के मारे, और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तो ये तक भी कह दिया था कि ये वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है, मैं इसको नहीं लगवानी, और अब उन लोगों ने भी वैक्सीन लगवा लिया और अच्छे अच्छे काम किए हैं, हम विकास के नाम पर ही और काम के अपने नाम पर ही हम वोट मांग रहे हैं जनता से। विपक्ष लगातार बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है, विपक्ष इस बार सत्ता में आता है तो जनता को ये दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए पहले, अब ये 300 यूनिट की बात करते हैं, पहले जब ट्रांसफार्म गांवों के फूक जाते थे ना तो 300 रुपए उगा करके ट्रांसफार्म आते थे, आज अगर कोई ट्रांसफार्म फूक जाता है तो 2 घंटे के अंदर वो चेंज होता है बिगर पैसे दिए, पहले 2-3 महीने। मैं बता दूं क्यों ये सरकार पहले नहीं थी, क्या इन्होंने पहले क्यों नहीं करा, इन्होंने माफ 300 जो आज बात कर रहे हैं, पहले सरकार थी ना इनकी, इन्होंने पहले माफ क्यों नहीं किया, और बिजली भी नहीं थी, किसान हम गांव में जाते थे वहाँ 5-5 घंटे 6-6 घंटे हम गर्मी में मरते थे, उनके पास बैठते थे हम उनसे बात करते थे भाई। विपक्ष का लगातार ये भी आरोप है कि बिजली विभाग उत्तर प्रदेश का घाटे में चल रहा है, कैसे बिजली दी जाएगी? मतलब उनकी सरकार थी जब मुनाफे में था ना, हमारे में तो घाटे में चल रहा है वो कह रहे हैं, उनके मुनाफे में तो क्यों नहीं दी लाइट, उन्होंने फ्री क्यों नहीं करी? आज हम हमारी जो पार्टी जो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, हर घर में हमने लाइट पहुंचाई है, जहां नहीं थी वहां भी लाइनें बिछवाई हैं और पोल गढ़वाए हैं, उनको लाइटें दी हैं, गैस सिलेंडर दिए हैं, जो बहन बेटी अपनी आंखों को फोड़ती थी, वो माताएं वो परेशान थी, उनको हमने सिलेंडर दिए। शौचालय की बात मैं करूं तो शौचालय के लिए जब गाँव में जाते थे वो लेडीज बाहर जाती थी, शर्म से उन्हें बहुत शर्म लगती थी ना, तो उनको हमने शौचालय दिए हैं, आज वो बहन बेटी बहुत खुशी मनाती हैं, जब हम आम लोग जाते हैं हमसे कहते हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे, हम किसी को नहीं देंगे। ये मैं एटा की बात कर रहा हूँ, मैं एटा में मेरी बात हुई और मैंने एक का किसी न किसी जमीन घेरी वहाँ यादव जी ने, मैंने वो जमीन छुटवाई रात के 2 बजे, कुम्हार के थे वो, उनकी जमीन छुटवाई। मैं बता दूँ आपको, उसमें जमीन छीनने का काम कर रहे हैं, भूमाफिया पड़े हुए थे। अच्छा नोएडा में अगर आपकी पार्टी जीतती है और सरकार बनती है तो नोएडा में आपकी पार्टी कौन से विकास में जो पहले लाना चाहेगी, कौन से ऐसे काम में जो पहले करना चाहेगी? बेटा किसानों के काम पहले करना चाहेंगे, किसान बहुत जो इन्होंने करे 5 साल में किसानों के लिए बहुत काम करे हैं मोदी योगी जी ने, और आप भी आगे भी किसानों के लिए भी और गरीबों के लिए भी सभी के लिए काम करेंगे। देखिए किसानों के लिए कर दिया है बिजली के बिल, हमने आधे कर दिए रेट, हमारी सरकार ने आधे रेट कर दिए हैं, आपको भी पता है घरेलू हो चाहे किसान का हो, वो हमने कर दिए ऑलरेडी।
पक्ष का कहना है कि चुनाव को करीब देखते हुए किसान बिल वापस किए गए हैं, तो क्या ये राजनीति है या वाकई वापस किए गए हैं? किसान की आप बात कर रहे हो, 2 घंटे लाइट के लिए किसान पूरी रात चल पड़ता था। हमारा देश का किसान 2 घंटे लाइट के लिए पूरी रात अपने ट्यूबवेल पे बैठा रहता था, लाइट नहीं मिलती थी। किसान का ट्रांसफार्मर फूक गया था, 3-3 महीने तक ट्रांसफार्मर भरा जाता, आज किसान वो है कि बहुत खुश है। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता थे जिनको आप लोगों ने सुना। चुनावी यात्रा एनसीआर मीडिया की लगातार जारी रहेगी, आप एनसीआर मीडिया के साथ बने रहिए, चैनल को लगातार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।